सो हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली आ चुके कोर टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लेकर। गाइस आज वीडियो में बात करेंगे सेंसिटिविटी के बारे में। अब गाइस कल जो अपडेट आया ना उसके बाद भाई मैंने गेम खेला और लिटरली भाई मेरा स्प्रे ना जो आसमान में जा रहा था और भाई जो एम ट्रेसिंग है वो तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो गाइस फिर मैंने क्या किया ना, ट्रेनिंग ग्राउंड गया और फटाफट से मेरी सेंसिटिविटी जमाई और भाई एक सेंसिटिविटी बनाई है जिससे भाई आपका गेम और भाई मतलब स्प्रे बोल रहा हूँ लिटरली स्प्रे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो वो सेम सेंसिटिविटी आप लगा के देखना भाई, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी वो। और भाई मतलब आपको नहीं लगानी है तो गाइस वो भी बताऊँगा कि आप अपनी सेंसिटिविटी कैसे बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना भाई, मतलब नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए भी है सेंसिटिविटी। तो गाइस वो भी लाइक और शेयर कर देना वीडियो को और कमेंट कर देना यार। कमेंट देखता हूँ ना तो काफ़ी अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलती है थोड़ी वीडियो बनाने के लिए। तो कमेंट जरूर से कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से कर ही देना है। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एंड सो गाइस जो भी iOS प्लेयर है ना उनके लिए एक सेंसिटिविटी है, मतलब iOS नहीं एंड्रॉइड के लिए गाइस सेम सेंसिटिविटी जमा लेनी है आपको। अब गाइस जो भी एंड्रॉइड प्लेयर है iOS प्लेयर को सेम जमानी है। और एंड्रॉइड प्लेयर को क्या करना है, सेंसिटिविटी को 240 से 250 के बीच में रखना है 3x की। देख सकते हो मैंने मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे 3x से 240 से 250 के बीच में रखनी है। और 4x की रखनी 230 के 240 के बीच में, कहीं पे भी रख लो एक दो बार आगे पीछे करके देख लेना, 230 से 240 के बीच में रखनी 4x की। अब गाइस नीचे करता हूँ मैं स्क्रॉल एंड गाइस इसमें भी बिल्कुल सेम सेंसिटिविटी रखनी है एंड्रॉयड वालों के लिए 3x की 240 से 250 के बीच में और 4x की 230 से 240 के बीच में। अब गाइस नॉन जायरो प्लेयर ना ये सेंसिटिविटी कॉपी कर लेना भाई, मतलब थोड़ी सी बढ़ा के दिखाता हूँ। 3x की कर लेना 227 और 4x की कर लेना 24। लिटरली गाइस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, मतलब 27 कर लेना 3x की। ADS सेंसिटिविटी छेड़ना और कैमरा सेंसिटिविटी तो छेड़ना ही मत भाई, गाइस अपडेट के बाद उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो गाइस ये सेंसिटिविटी लगाओगे ना भाई मतलब स्प्रे तबाही होगा। आपने स्टार्टिंग में देखा ना जो स्प्रे, वैसा सेम स्प्रे आने वाला है। एंड अभी बात करते गाइस आप अपनी खुद की सेंसिटिविटी कैसे जमा सकते हो, मतलब जो अपडेट के बाद थोड़ी बहुत चेंज हुई है ना उसमें थोड़ा बहुत छेड़खानी करके अपनी सेंसिटिविटी जो पहले थी वैसे कैसे कर सकते हो, चलते उसकी तरह। सो गाइस आपको जिस भी स्कोप की सेंसिटिविटी जमानी है तो अटैचमेंट लगा लेना है M4 में, वो स्कोप लगा लेना है और आपको यहाँ पे आ जाना है। कहीं पे भी मतलब एक पॉइंट लिख लेना है आपको, यहाँ पे इससे कर सकते हो या फिर किसी भी जगह से कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है ना, आपको स्प्रे देना है इस पर। सो गाइस इस पर स्प्रे लेना है। अब गाइस आपका स्प्रे कुछ इस तरीके से ऊपर जाना है तो फटाक से आपको सेंसिटिविटी खोलनी है अपनी। एंड जायरो प्लेयर हो तो जायरो में, ADS मतलब नॉन जायरो प्लेयर हो तो ADS में आपको 5+ करना है अपनी सेंसिटिविटी 3x की, जो भी स्कोप की चला रहे हो ना उसकी 5+ कर देना है सेंसिटिविटी। अब गाइस अगर आप फिर से स्प्रे लेके देख रहे हैं, अब गाइस आपका हल्का सा ऊपर जा रहा है ना तो आपको फिर से जायरो मतलब जायरो स्कोप खोलना है अपना और +2 कर देना है। ADS वाले हो तो ADS +2 कर देना है। अब गाइस ऐसे आराम से आपको करते करते ना आपकी सेंसिटिविटी आपको ईजिली मिल जाएगी लिटरली गाइज। और अगर आपकी ज़्यादा सेंसिटिविटी बिगड़ी नहीं है ना गाइज, मतलब हल्का फुल्का आपको चेंज करना है तो आपको +5 करना ही नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले आपको +2 ही करना है, लिटरली +5 नहीं करना है। अब गाइज मैंने रिकॉल संभालने की सेंसिटिविटी तो बता दी बट एक पॉइंट पे स्प्रे कैसे मारे, तो गाइज आपको इस पर स्प्रे लेना है। एंड गाइस आपका स्कोप इस तरीके से कुछ हिल रहा है ना, एक पॉइंट पे स्प्रे नहीं जा रहा, तो आपको क्या करना है -2 कर लेनी है अपनी सेंसिटिविटी। ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ा चुके हो ना तो -2 करनी है, और कुछ ज़्यादा सेंसिटिविटी मतलब कुछ ज़्यादा स्कोप हिल रहा है ना आपका तो -5 करनी है, मतलब 5 पॉइंट घटा लेने हैं आपकी जो भी सेंसिटिविटी ना उससे 5 पॉइंट कम कर लेने हैं आपको। अब गाइस आपकी जितनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होगी ना उतना ज़्यादा आपका स्प्रे हिलेगा लेकिन कंट्रोल आराम से हो जाएगा। एंड गाइस जितनी कम सेंसिटिविटी होगी ना उतना ईजी मतलब एक पॉइंट पर स्प्रे जाएगा लेकिन कठिन होगा उसको संभालना। एंड गाइस अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब लिटरली भाई आपकी सेंसिटिविटी तो ऐसे जम जाएगी। लेकिन अब गाइस बात करते ना, लिटरली आप पहली बार सेंसिटिविटी मतलब पहली बार नई सेंसिटिविटी बना रहे हो ना तो आपके हैंड कब भी सेट नहीं हो गए उस पर। तो गाइस आपको सेट करने के लिए कुछ ड्रिल करनी पड़ेगी। अब गाइस ये परमानेंट ड्रिल नहीं है कि आपको रोज करनी पड़ेगी, 2-4 दिन करोगे ना तो इस सेंसिटिविटी पर आपका हाथ सेट हो जाएगा नई सेंसिटिविटी पर। तो आपको करना क्या है, अब चलते ड्रिल की तरफ। सो गाइस सेंसिटिविटी पे हाथ जमाने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या करना है ना, आपको यहाँ पे आना है, कस्टमाइज पे जाना है, पीछे के जो 3 है ना इनको ऑन कर लेना बाकी सबको बंद, मूवमेंट मतलब पूरी हेल्थ फुल कर देनी, लेवल 3 कर देना है और कुछ इस तरीके से स्टार्ट कर देना। अब आपको क्या करना है ना, इन पे स्प्रे लेना है कुछ इस तरीके से। सो गाइस मैं मतलब आपके लिए सीधा वीडियो बना रहा हूँ सुबह से, तो लिटरली मेरा इतने हाथ सेट नहीं है तो थोड़ा सा स्प्रे इधर उधर हो रहा है, लेकिन हाँ आपको कुछ इस तरीके से स्प्रे देना है इस पर। अब गाइस इन सारे जितने भी कार्डबोर्ड है ना इन पे सारे पे स्प्रे दे दे के गिरा देना है इनको इजीली।
और गाइस आपको ना ऐसे मतलब 3-4 मिनट करना है रोज, मतलब खेलने से पहले लिटरली भाई जो हाथ सेट होगा ना आपकी सेंसिटिविटी पे, मतलब 3-4 दिन तक ही करोगे ना भाई आपकी सेंसिटिविटी एक नंबर हो जाएगी। अब गाइस एक और पॉइंट है, चलते उस पॉइंट की तरफ, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस ये पॉइंट है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो का, क्योंकि गाइस अभी बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब गाइस बहुत बंदे के सामने बंदे पीक करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं ना गलती, सीधा कुछ इस तरीके से स्प्रे देते हैं। गाइस आपको ये गलती कभी नहीं करना है, आपको क्या करना है ना लिटरली कुछ इस तरीके से नीचे से स्प्रे कर ट्राई करना है, बंदे के हेड पे सीधा स्प्रे नहीं करना है कभी भी। लिटरली गाइस कुछ इस तरीके से नीचे से स्प्रे दोगे ना भाई उसको हेड ही हेड बचेंगे। अब गाइस इसकी ड्रिल आपको करनी है कुछ इस तरीके से, सबसे पहले आपको कस्टमाइज में गाइस ये दोनों कार्डबोर्ड लास्ट के ऑन कर लेने हैं, मूवमेंट कर दे मतलब हेल्थ फुल कर देने, लेवल 3 कर देना है और इनको कर देना है स्टार्ट। अब गाइस कुछ इस तरीके से ये कवर ले लेना है, इसको कवर मान के चलना है जो आपके सामने ये स्कोप रखे ना इनको, और कुछ इस तरीके से इस पर स्प्रे लेना है। गाइस इसमें आपको ट्राई क्या करना है ना, कार्डबोर्ड है ना जो भी, उसके हेड के थोड़े से नीचे से स्प्रे लेने का ट्राई करना है ब्रस्ट में। गाइस आप समझ सकते हो ब्रस्ट मतलब ब्रस्ट में आपको स्प्रे देना है। अब गाइस ब्रस्ट में होता क्या है ना, आप थोड़ा सा नीचे से दोगे ना स्प्रे तो एकदम उठ के उसके हेड पे आ जाएगा एम, और जो हेड लगेंगे ना भाई मजा आ जाएगा। अब गाइस मैंने बहुत सारे प्रो प्लेयर को भी देखा है, जो भी मतलब बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो भी कुछ इस तरीके से ट्राई करते हैं ना, हेड के नीचे से मारते और एकदम से हेड हेड दे देते हैं। तो गाइस आपको ये ट्रिक हमेशा यूज़ करनी है, और भाई मतलब इस ड्रिल को ना आप दो मिनट भी कर लोगे ना लिटरली ये मतलब 5-6 दिन में आप मास्टर कर लोगे, और भाई फिर दोगे आप स्प्रे तबाही वाला। एंड गाइस चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। सो गाइस लास्ट पॉइंट, अब बताओ आप क्या होने वाला है, मैंने क्योंकि सब कुछ आपको बता दिया टोटली, मतलब क्या है मतलब, नहीं तुम बताओ यार क्या होने वाला है लास्ट पॉइंट। अरे मेरे व्यूअर्स को पता है जो भी रेगुलर व्यू करते, लास्ट पॉइंट होता है गाइस अपने लिए लाइक और सब्सक्राइब का, क्योंकि भाई तुम्हारे लिए तुम्हारा भाई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो लाता रहता है। तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब दबा देना, शेयर भी दबा देना और कमेंट जरूर से कर देना, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया सेंसिटिविटी के लिए आपके। हो तो गाइस वीडियो को इतना देखने के लिए ना गाइस थैंक्स दिल से, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, गाइस लव यू गाइस। Yo, I ain't here for the money, I ain't